लिली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माता पिता और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। हाँ तो बच्चों, हम सब पिंकी की फरमाइश पर गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने मरी जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत इंजॉय करेंगे। फिर वो सब ट्रेन पर सवार हो गए। वो सब बहुत खुश थे और अपने सफर को खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक ट्रेन हादसे ने टुनटुनी और पिंकी को अनाथ बना दिया। अचानक से दो ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें बहुत से पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरी बहन, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन हर तरफ आग ही आग है। मुझे लगता है हमारे माता पिता इस हादसे में मर गए हैं, लिहाजा अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चलो घर चलती हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें रोते हुए अपने घर चली गई। इस तरह कई दिन गुजर गए। वो दोनों बहनें कई दिनों से भूखी और प्यासी थी। खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं है पिंकी, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चलो ऐसा करते हैं कि दोनों के ही खाने की तलाश में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें खाने की तलाश में निकल जाती हैं। अचानक उन्हें एक जगह एक पक्षी केले भेजता हुआ दिखाई देता है। केले ले लो, केले ले लो, ठंडे ठंडे मीठे मीठे केले ले लो। लेकिन पिंकी, मेरे पास तो केला खरीदने के पैसे नहीं। दीदी, आप एक बार जाकर अंकल से बात करके तो देखो, हो सकता है वो मान जाए और आपको बिना पैसों के ही केला दे दे। फिर टुनटुनी चिड़िया केले वाले अंकल के पास जाती है। अंकल, केले वाले अंकल, आप मुझे कुछ केले दोगे? हाँ, क्यों नहीं बिटिया, ये 20 रुपए दर्जन है, जितने मर्जी ले लो। लेकिन अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं और मेरी बहन कई दिनों से भूखी हैं। लेकिन मैं ऐसे बिना पैसों के किसी पक्षी को केले नहीं देता, और ऐसे भी मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ हूँ, बिना पैसों के मैं कैसे दे दूँ? फिर टुनटुनी ने रोते रोते केले वाले अंकल को अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिसे सुनकर वो अंकल बोले, रो मत मेरी बच्ची, हम सबको इस हादसे का बहुत अफसोस है। ये लो केले और चाव, और तुम दोनों बहनें आराम से खाओ। फिर टुनटुनी वो केले लेकर पिंकी के पास आई और दोनों बहनों ने मज़े से वो केले खाए। केले खाने के बाद वो केलों के छिलकों को अपने घर के आंगन में दबा देती हैं और फिर अपने केले की फसल का खूब ख्याल रखती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में उनके केलों के पेड़ के साथ केले उग आते हैं और वो दोनों देखकर बहुत खुश होती हैं। इस तरह केले बेचकर उनके पास बहुत से पैसे हो जाती हैं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।
सालपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी फैमिली के साथ मट्टी के एक टूटे फूटे घर में रहता था। उन दिनों जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण सब पक्षियों का बुरा हाल था। तेज गर्मी के कारण कालू कौवा के घर की दीवार गिरने वाली थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, अजी अब हम क्या करेंगे, हमारे घर की दीवार तो किसी भी वक्त गिर जाएगी, फिर सारी धूप हमारे घर आने लगेगी, इस तरह तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हाँ दादी, मम्मी ठीक कह रही है, मुझे तो ऐसे भी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन अगर दीवार टूट गई तो फिर तो गर्मी और ज्यादा हो जाएगी। ऐसा करते हैं टुनटुनी, ये सामने वाली दीवार ज्यादा कमजोर है, इसे दोबारा बना लेते हैं, जैसे ही हमारे पास पैसे आए हम मजबूत घर बना लेंगे। सुनिए जी, हम ऐसा करते हैं कि घास का घर बना लेते हैं, वो मेरी सहेली पिंकी है ना, उसके पति ने घास से कई घर बनाए हुए हैं, एक में वो दोनों रहते हैं, बाकी के घर उन्होंने किराए पर दिए हैं। कालू जी, हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि कमाई भी अच्छी हो जाए और हमारा घर भी हो जाए। हाँ दादी, मम्मी ठीक कहती है, हम भी घास से अपना घर बना लेते हैं, ऐसे भी घास पर पानी डालने से घर अंदर से ठंडा हो जाता है और घास तो हमें मुफ्त में मिल जाएगी। हाँ जी, सुनहरी ठीक कह रही है, अभी हम सब जंगल चलते हैं और जल्दी से घास ले आते हैं। नहीं नहीं टंटनी, तुम दोनों घर में ही रहो, ऐसे भी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, मैं जल्दी से जाकर खुद ही घास ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा घास लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो इर्द गिर्द देखता है, पर उसे कहीं घास दिखाई नहीं देती। वो खुद से कहता है, अगर मैं बिना घास के घर चला गया तो मेरी बेटी उदास हो जाएगी, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, मैं हर हाल में घास लेकर जाऊंगा। अब तो शाम हो रही है, मैं कहाँ जाऊं और घास तलाश करूं? इतने में कालू को जंगली बांस की आवाज़ सुनाई देती है, वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पत्थर से टकराकर घास के खड्डे में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के आंगन में उसी घास के खड्डे में पड़ा होता है। उसकी पत्नी और बेटी उसके पास होती हैं। वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, ये घास तो जंगल में थी, मुझे कौन उठाकर जंगल से यहाँ लाया है? मुझे कुछ नहीं पता जी, जब मैं उस सुनहरी सुबह सोकर उठे तो आप यहाँ घर के आंगन में इस घास के खड्डे में पड़े हुए थे। इतने में उन्हें घास से आवाज आती है, टंटनी और कालू परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक चातोई घास हूँ और कल कालू को जंगल में मैंने ही उस जंगली बांस से बचाया था, तुम मुझसे बहुत से घर बना सकते हो, मैं कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ये सब सुनकर कालू कौवा और उसकी फैमिली खुश हो जाती हैं। सुनहरी कहती है, दादी दादी आप जंगल से ये जादुई घास मेरे लिए लेकर आए हैं ना, ताकि हम घास से अपना घर बना सकें। हाँ हाँ सुनहरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही जंगल घास लेने गया था, अभी हम सिर्फ अपने रहने के लिए एक घर बनाएंगे, बाकी हम घर कल बनाएंगे और पक्षियों को किराए पर दे देंगे। फिर कालू अपने लिए उस घास से एक सुंदर सा घर बनाता है। धूप बारिश और आंधी से उन घरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वो तीनों अपने जादुई घर के घास में खुशी खुशी रहने लगते हैं।